हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक फार्मेसी खोलने के लिए, आपको फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारा डिटेल्स। तो पहले जो शॉप का, आपको शॉप खोलने के डॉक्यूमेंट में पहले चाहिए आपको एक, अगर आप नॉन फार्मासिस्ट हो तो फार्मासिस्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो फार्मासिस्ट के साथ आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, मिनिमम दो साल का एग्रीमेंट होना चाहिए आपको। या आपके यहाँ इंचार्ज बन के रहेगा, आपका शॉप का इंचार्ज होगा, वो सारा डिटेल्स चेक करेगा, हर कैश मेमो में उसका साइन होना चाहिए, तो साइन करना पड़ेगा उसको। तो उसके बाद आपको चाहिए एग्रीमेंट ऑफ रूम, आपको जो एक जिस प्लेस में आप बिजनेस करना चाहोगे उसका आपको प्लेस का एग्रीमेंट होना चाहिए, दो साल का मिनिमम। उसके बाद रेफ्रिजरेटर चाहिए आपको, एक फ्रिज करने के लिए बहुत सारा मेडिसिन है जो आपको टेम्परेचर एडजस्ट करके रखना पड़ता है, कूलिंग करके रखना पड़ता है, तो आपको इसके लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए आपको। उसके बाद अलमीरा चाहिए, अलमीरा में ग्लास फिट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्लास कवर होना चाहिए ताकि जो मेडिसिन आपने रखा है उसको डस्ट ना गिरे, उसमें स्पॉयल ना हो जाए। तो उसके बाद आपको चाहिए कि प्रोफेशनल टैक्स क्लियरेंस चाहिए आपको, प्रोफेशनल टैक्स क्लियरेंस लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद लेआउट ऑफ मार्केट प्लेस आपको चाहिए आपका, ताकि जो भी ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, ड्रग कंट्रोलर आएगा, आपको विजिट करे तो आसानी से आपको मिल जाए, वो ड्रग इंस्पेक्टर आपका प्लेस मिल जाए। उसके बाद लाइसेंस फी चाहिए आपको, हर स्टेट का अलग अलग होता है लाइसेंस फी, और यह है त्रिपुरा का लाइसेंस फी अभी है 3600। उसके बाद है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, कॉपी सर्टिफिकेट कॉपी में आपको फार्मासिस्ट का सारा डिटेल्स लगेगा, क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक से लेके फार्मासी तक जितना भी डिटेल्स है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका क्या, उसके बाद रेजिडेंशियल का सर्टिफिकेट उसको चाहिए। उसके बाद आपको प्रोपराइटर का भी, प्रोपराइटर मतलब कि जो शॉप ओनर है उसको भी डिटेल्स लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं स्टेप्स में क्या आएगा, पहले आप क्या करना पड़ेगा शॉप खोलने के लिए, आपको पहले जो आपका रूम प्रिपेयर करना पड़ेगा ठीक से, ठीक ठाक रूम। उसके बाद आपको एक ही साथ आप जा सकते हैं कि जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है आपका स्टेट का, वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, मैं एक रिटेल मेडिसिन शॉप और होलसेल मेडिसिन शॉप खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक फॉर्म चाहिए। ऐसा करके आपको ऐसा एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। तो डालने के बाद आपको जो फॉर्म फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, उसके बाद फॉर्मेट को फुलफिल करके सारा डिटेल्स डाल के, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उसका डिटेल्स डाल के आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर से इंस्ट्रक्ट जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर को, आपके डिस्ट्रिक्ट का ड्रग इंस्पेक्टर जो भी है उसके साथ, वहाँ पर जाके आपको आपका जो शॉप है उसको विज़िट करके एक ड्रग इंस्पेक्टर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में, मतलब कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास रिपोर्ट भेजेगा। तो रिपोर्ट भेजने के बाद अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लगभग चार महीने के करीब ये प्रोसेस होती है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो एक इनर व्यू है एक फार्मेसी का कैसा होना चाहिए, उसके बाद देखो क्या है, अलमीरा है, अलमीरा में मेडिसिन रखा हुआ है, उसके बाद ग्लास कवर करके रखा है, उसके बाद ये है व्यू, ये फ्रिज है, एक लैपटॉप और कंप्यूटर आपको होना चाहिए कि आप स्टॉक मेंटेन करके रख सकते हो ठीक ठाक, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर आएगा हर साल दो बार मिनिमम आता है ड्रग इंस्पेक्टर आपका शॉप विजिट करने के लिए, विजिट करके आपका स्टॉक चेक करेगा, आपका जो भी डिटेल्स है अगर ठीक ठाक नहीं है तो फाइन करेगा, बहुत ही बड़ा फाइन होता है, ठीक है। ये एक आपको लाइसेंस मिल जाएगा, दो लाइसेंस दिया जाता है आपको, एक मैंने एक लाइसेंस डाला हुआ है, कैसा होता है लाइसेंस का, इस कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है लाइसेंस देने के। उसके बाद प्रोपराइटर कौन है, आपका शॉप का नेम क्या है, उसके साथ आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन है, उसका डिटेल्स आप यहाँ पे डाला जाता है, उसका लाइसेंस नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी ज़रूर करना कैसा लगा आपको आपका कमेंट, तो उसके बाद सब्सक्राइब करना इस तरह की वीडियो देखने के लिए आगे चल के। थैंक यू।